कदूस रही मेहरबान आसमानी बापुर कायनात के मालिक और शहनशाह हमेशा हर वक्त अपने लोगों अपने खानदानों और अपने बच्चों की बड़ी मदद करने वाले खुदावंद ऐ खुदावंद बाप तेरे शुक्रगुजार है तूने आप हमेशा हर वक्त हम सब की बड़ी मदद हिफाजत की है। तूने हमें हमारे घरों खानदानों को पाला संभाला है। तेरी मेहरबानी मोहब्बत शफकत और तेरे प्यार के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। मिन्नत करते हैं खुदावंद के तो आप हमेशा हर वक्त हमारा साथ दे ताकि हमेशा तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते रहें। खुदावंद आज के सारे सफ़र में तेरी मदद तेरी पनाह चाहते हैं। जिस गाड़ी से हम सफ़र करते हैं इस गाड़ी के इंजन मुसाफरों को ऐ खुदावंद इस गाड़ी के तमाम पुर्जाजात को हम तेरे ही पाक पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। तो आप हम सबको और तमाम मुसाफरों को खैर खैरियत से हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ताकि हम सब खैर खैरियत से अपने अपनी मंजिलों पर पहुंचें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। तो आप हम सब का बड़ा मददगार हाफिज़ हो हमें हर बदी बुराई और गुनाह के दाग धब्बे से महफूज हो। वक्त है कि जिस खिदमत के लिए हमारे तमाम ये नौजवान जाते हैं इस सारी खिदमत में तेरे नाम को जलाल मिले और तेरी हमद तेरी तज़ीम मशरिक से लेकर मगरिब तक होती रहे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए वही दुआ कहें जो हमारे ज़िंदगी देने वाले यीशु ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर तेरा नाम पाक हो तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्श दें तू हमारे कर्ज में हर हमें आजमाइश में ना पड़ने दे आए मुकस्सा माँ को भी सलाम करें जिसने हम सबको बुलाया है ताकि हम उसको जाकर सलाम करें मुकस्सा माँ की ज़्यारत करें। तो आज मुकस्सा माँ की ज़्यारत के लिए हमारे तमाम ये नौजवान जो खिदमत के लिए जाते हैं मुकस्सा माँ अपने बच्चों को इनके घरों खानदानों को इनके खिदमत के सिला में अपनी सारी खुशियाँ और बरकतें दें। और इसी तरह जो हमारे भाई अजीज़ हमें यहाँ पर रुख्सत करने के लिए आए हैं उन सब के लिए भी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद इन सब के भी और इनके घरों खानदानों की बड़ी मदद करे ताकि ये भी मुकस्सा माँ की सिफारशात की बदौलत अपने अपने घरों खानदानों में अपनी खुशियाँ बरकतें हासिल करें और हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करें। हम तमाम मुकद्दसों फरिश्तों ख़ास तौर पर हज़रत जबराइल फरिश्ते के साथ मिलकर हम मुकस्सा माँ को सलाम कहें। फरिश्ते का सलाम सलाम मरियम खुदाम तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक मुबारक मुकस्सा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ करें अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप पर बेटे अरुल कदस का हो जिंदगी देने वाला यसु हम सबको हमारे घरों खानदानों को जिंदगी बरकत और शफा दे बाप पर बेटे अरुल कदस के नाम में आमीन। मुकस्सा माँ के अकीदत के आने वाले हमारे तमाम भाई बहन जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर आएँ और मुकस्सा माँ को सलाम करें। तो मुकस्सा माँ को सलाम करने वाले हमारे तमाम भाई बहन जो है यहाँ पर आ रहे हैं ताकि ये मुकस्सा माँ को जो है वो सलाम करें। लैटर पा दो इन्होंने एक नजर रमान भाई आ देखो एंडा लैटर होना तो प्यार है ना गड्डी उधर पीछे थोड़ा पीछे करके ला गड्डी क्यों नहीं जाएगी और
ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। लेडीज वाले जाम चलो आज मरियमाबाद के जो है मेन गेट पर आ गए हैं और यहाँ से जो है लोगों के आने का बहुत सिलसिला जारी है और ये हमारे जो ड्राइवर हैं वो यहाँ से यहाँ मरियमाबाद जो है ले जाएंगे। चलो जी पानी जा रहा है जो कि फसलों की तरफ जो है वो पानी जाता है। लोग दबा दब जो है वो बस मरियमाबाद आ रहे हैं बस सामान के लिए।
इस्लामाबाद हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये चर्च है, चले चलो। बाकी चलो आ जाओ सर। बड़े एहतराम के साथ हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने 72वीं सालाना मुकद्दसा मरियम की जियारत की ओपनिंग करते हैं और आप सबको उसमें खुशामदीद करते हैं। वहाँ पर प्यार, मोहब्बत, सलामती और इत्तेफाक है।
जहां पर एकदम बीमारियां हैं वहां पर शिफा बख्श, और हमें भी हमारे ग्रामों को भी। से कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ नंगे पांव आते हैं, कुछ साइकिलों पर आते हैं। सफ़र करते करते यहाँ पर आते हुए काफ़ी उनकी एनर्जी जो है वो चली जाती है, इसलिए इस एनर्जी को जो है बहाल करने के लिए यहाँ पर हमारे ये नौजवान जो हैं ये ठंडा पानी, मुफ्त में ठंडा पानी जो है वो लोगों को पिला रहे हैं ताकि लोगों की एनर्जी जो है वो बहाल हो जाए। और यहाँ पर इन नौजवानों का जज्बा जो है काबिले दीद है। हम अपने नौजवानों को जो है वो सलाम पेश करते हैं ताकि ये नौजवान जो हैं ये अपनी खिदमत को इसी तरह से जारी रखें। कसामा मरियम की जय, कसामा मरियम की जय।
पूरे हिसार जो गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। तो मैं सोच रहा था कि हमें खास ईसाई करने की प्रेमी का एहतमाम करना चाहिए। जो हमारी ईसाई कर सकती है हम उनको मास ईसाई करना मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले तो हमें दुआ करना चाहिए, आप दूसरे की इबादत करना चाहिए। को खानदानी तौर पर दूसरे करने की दावत है। हम कहते हैं इसलिए ऑनलाइन इबादत का
इसका दूसरा भाग पहली आयत से। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने मुझसे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 वक्त समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर कादन जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैकर्स करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके हैं, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। ओके। मैं आप सबसे जानते हो, मेरा नाम विशाल है और ये मेरे भाई हैं, ये भाई रोहित हैं, भाई सागर हैं, भाई हरून हैं, भाई सोमी हैं, भाई तनवीर हैं, भाई रामिश हैं। तो हम बहावलपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। बाबों का शहर है हासलपुर के पास। ठीक है, तो आज क्या आप सुना रहे हैं? हाँ जी, हम एक गीत पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पाए मुकस्सा माँ की ज़ियारत के लिए, मुकस्सा माँ को सलाम करने के लिए आए हैं। ठीक है, हम भी आपका सलाम मुकस्सा माँ तक पहुँचाएँगे और आप गीतों के ज़रिए सपना मुकस्सा माँ को सलाम पहुँचाएँ। चलो yeah.
मुकद्दसा माँ मरियम की जय। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की जय। बहुत शुक्रिया अखबार की जय। आज आप जो है सारी दुनिया आपको लाइव जो देख रही है, ठीक है, आपका ये गीत जो है लाइव सारी दुनिया में गया है, ठीक है। आपने हिसाब चुकाए और जवाब में आमीन कहे। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुकद्दसा मरियम कमाली का बेटा बनी नौ इंसान को बचाए, वो अपनी बरकत की कसरत से आपको मालामाल करे। आमीन। आप उस मुबारक कमाली से जिंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करें। आमीन। आप आज अकीदत के साथ आकर उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नियमतों से मालामाल होकर अपने अपने घरों को लौटे। आमीन। और कादिर कलीम खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। आप सबको ये ज़ियारत बहुत बहुत मुबारक। सुंदर तालियों के साथ इस मुबारकबाद को कबूल करते हुए एक दूसरे के लिए खुशी और शर्मानी का बायस बनेंगे। अजीज मोमिन, यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं मरियमाबाद में आते हैं और मरियमाबाद में आने का उनका भी खास मकसद होता है और वो हमेशा अपने अपने मकासद के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारी एक बहन की है, क्या नाम है आपका? फरजाना। हमारी ये बहन है फरजाना, ये गुजरात से यहाँ पर आई है और इन्होंने मन्नत मानी थी कि जब उनका ये बेटा जो है ये बीमार हो गया था, ये ठीक हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पर मरियमाबाद आऊँगी और मुकद्दसा माँ मरियम की इजाज़त यहाँ पर मुकद्दसा माँ को सलाम करूँगी और मुकद्दसा माँ की इजाज़त करूँगी। तो आज हमारी ये बहन फरजाना यहाँ गुजरात से यहाँ पर आई ताकि यहाँ पर आए और मुकद्दसा माँ को सलाम करें और मुकद्दसा माँ को सलाम करते हुए अपने तमाम मजीद वकारत के साथ यहाँ पर मौजूद। तो आज हम सब ही और आप सब ही भी सलाम जो है मुकद्दसा माँ को पेश करते हैं। मुकद्दसा माँ मरियम की जय। मुकद्दसा माँ मरियम की जय। अजीज मोहम्मद, यहाँ पर हमारे कराची से आए हुए एक भाई जिनका आबाई गांव यहाँ पर शेखुपुरा में है, हमारे भाई बशारत उठवाल जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अरसा से यहाँ पर मुसलसल ये एक लंगर का इंतज़ाम करते हैं जो कि 24 घंटे ये लंगर जारी रहता है और ये अपने साथ अपनी पूरी टीम अपने बंदे जो है लेकर आते हैं और यहाँ पर 24 घंटे जो है यहाँ पर ये लंगर जो है ये जारी रहता है और हमारे ये भाई जो हैं यहाँ पर अपने तमाम जायरीन के लिए यहाँ पर सामने बैठे हैं हमारे भाई बशारत अटवाल और वो और उनकी टीम जो है यहाँ पर तंदूर भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर ताज़ा रोटियाँ जो हैं ये बनाकर लोगों को देते हैं
ये हैं भाई बशारत उठवाल, इनकी ये मन्नत है कि जब तक खुदा ने इनको ज़िंदगी दी है ये अपनी ज़िंदगी भर जो है यहाँ पर मुकसा माँ की ज़्यारत गाह पर आते रहेंगे, मुकसा माँ को सलाम करेंगे और अपने ज़ायरीन के लिए जो जहाँ ज़्यारत के मुकसा माँ की ज़्यारत के लिए आते हैं उनकी ज़्यारत के लिए खाने का इंतज़ाम जो है ये करते रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने जो है ये तंदूर भी लगाया है, उसके साथ यहाँ पर 24 घंटे जो है ये देगें जो हैं इसका इंतज़ाम है ताकि 24 घंटे जो है यहाँ पर देगें पकती रहें, लोग आते जाएं खाते जाएं, और बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है ताकि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं खाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। बिल्कुल इस खाने का टेस्ट जो है अपने घर के खाने के टेस्ट के बराबर है, बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पर खाना, म्यारी खाना बनाते हैं और म्यारी खाना बनाकर ये लोगों को जो है यहाँ पर बड़ा अच्छा महसूस होता है और लोग देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम मोमिनीन जो है वो आ सकते हैं, यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन हैं यहाँ पर आ सकते हैं, खाना फ्री में इनका खाना होता है, ठीक है, ये बगैर किसी डोनेशन के ये अपने ओन पर यहाँ पर ये खाना जो है ये मुहैया करते हैं। और यहाँ से लोग जो है ये एंट्रेंस है, यहाँ से लोग जो है धड़ाधड़ यहाँ से लोग आते हैं और इबादत के लिए शरीक होते हैं। ये हमारे बशारत भाई के बड़े जो है ज़बरदस्त वर्कर हैं, हमारे 24 आवर्स हमेशा रेडी रहते हैं, बड़ी खिदमत जो है दिलो जान से खिदमत करते हैं और बड़े अच्छी हमें सर्विस जो है यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर देखें कि ये खुद अपने जानवर जो है लेकर आते हैं और यहाँ पर जानवर ज़बह करके और इन जानवरों को ज़बह करके यहीं पर बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ पर इनको यहाँ बनाया जाता है, पकाया जाता है और फिर लोगों तक जो है पहुँचाया जाता है। तो आप हमारे भाई बशारत उठवाल और बाकी तमाम जो लोग हैं इनकी टीम है उनके लिए खुदावंद से दुआएं जारी रखें ताकि खुदावंद जो है इनको इनके घराने को अपनी बड़ी बरकतें दे ताकि खुदावंद की खुशियों बरकतों के साथ हमेशा इस खिदमत को जो है जारी रखें। मुकस्सा मां मरियम की जय, मुकस्सा मां मरियम की जय।